नमस्कार जयंत, पहले साथियों तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो आर्मी, अग्निवीर, जीडी, टीडीएन, ठीक है, टेक्निकल, सारे आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो जीडी जो अग्निवीर 2024 में 22 अप्रैल को आपका पेपर होना है उसका पूरा का पूरा। ठीक है, 22 अप्रैल जो पेपर होने वाला है पूरा आपका रीजनिंग का फुल मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 में से यदि आपके 4 राइट हो रहा है तो आपका सही लगभग तैयारी सही चले। यदि मान लीजिए 5 में से यदि आपके 3 हो रहा है राइट, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, तो बहुत सही तरीके से आपको करना है। और वीडियो के अंदर आप कमेंट करके बताना कि आपके 5 में से 5 राइट हुए, 5 में से 4 राइट हुए, या 5 में से 3 राइट हुए, या 5 में से 2 राइट हुए। ठीक है, यदि आपके यहाँ पर हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में आप 5 में से 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि आपके यहाँ पर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सादृश्यता का क्वेश्चन आकृति में, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है छोटा सा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और वीडियो को रोक के सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि यदि मैं आपको रोकूंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अपन को वीडियो बड़ा नहीं करना, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि आप इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 बची, मतलब क्या हुई, 2 ए वाली जो लाइन है एक यहाँ की चली गई, ठीक है, और एक यहाँ की चली गई, मतलब 2 लाइनें क्या हो गई, कैंसिल हो गई, 2 कैंसिल हुई। अब इसे यहाँ पड़ गई, 1 2 3 4 बची, लेकिन यहाँ पर क्या बची, 2 बची। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 कैंसिल, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 थी ये वाली 2 लाइन, ये 2 लाइनें भी यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं, तो मतलब 2 2 कम हो रहे हैं, तो जिसमें भी 2 कम होगी वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाहर की यदि अपन देखें तो सब में कैसी बराबर है कि नहीं है, इसमें क्या एक कम है तो ये गलत, इसमें क्या ज़्यादा ही कम कर दें, इसमें क्या बहुत ज़्यादा कम कर, इसमें देखिए एक ए वाली लाइन कम की है और एक ए वाली, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्मी के पेपर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर किसी निश्चित कूट भाषा में क्या बोला जाता है, भाग को प्लस प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, भाग को क्या बोला जा रहा है, जल्दी से बताइए, प्लस। ठीक है, और जो आपका घटाना का चिन्ह है उसे क्या गुणा बोला जा रहा है, यानी माइनस को क्या बोला जा रहा है, गुणा बोला जा रहा है। ठीक है, माइनस को गुणा और प्लस को क्या, भाग, प्लस का जहाँ चिन्ह लगेगा वहाँ पर अपन को भाग का चिन्ह लगाना है, प्रदर्शित करता है, और गुणा को क्या, ऋण। ठीक है, गुणा को क्या, माइनस का चिन्ह बताया जा रहा है, मतलब क्या है, जहाँ भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर प्लस का चिन्ह करेंगे, जहाँ क्या माइनस का होगा वहाँ पर गुणा का चिन्ह, जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर भाग का, जहाँ गुणा का होगा वहां पर ऋण का चिन्ह लगाना है, बस सिंपल सा ही रहता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब 24 लिखा होगा तो अपन सबसे पहले 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए चिन्ह क्या है, जल्दी से बताइए, भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 14 लिखा होगा, 14 अपन सेम उतारेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा करेंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर अपन क्या करें, भाग का चिन्ह लिखेंगे और 10 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, गुणा, गुणा करते हैं माइनस, तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 14। सबसे पहले आपको पता हो कि बोर्ड मास का जो नियम होता है, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका जोड़ना, फिर घटाना, मतलब देखिए यहाँ पर क्या का आता है, ये क्या भाग होता है, ठीक है, सबसे पहले भाग होता है, फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर आपका प्लस, फिर होता है माइनस, तो ये नियम से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 24, फिर कितना है, 14, फिर कितना है, गुणा का चिन्ह 5, बटी में आ जाएगा 10 माइनस 14, तो देखिए 5 से काटेंगे, यदि आप काटना चाहें तो यहाँ पर काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 प्लस 7 माइनस 14। अब घटाते आप किस प्रकार के हैं वो आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, स्पीड में आप कैसे घटा पाते हैं, यदि आप देखिए 7 घटाते हैं, यहाँ 7 बचेगा, इसमें से फिर घटाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे 24 और प्लस कितना है 7, इसको जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 में से 14 घटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, डायरेक्ट कर देखिए 24 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और प्लस 7 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका 17 राइट आंसर आ जाएगा। कितनी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हुआ कि नहीं, लॉजिक आप देखिए, जोड़ना घटाना तो वो बराबर ही है,
लेकिन किस प्रकार से आप जोड़ते हैं वो ही आपको सिलेक्शन प्रैक्टिस करवाते हैं, वो ही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इसलिए मैं डेली आपको रीजनिंग का फुल मॉक टेस्ट लाया हूँ, ठीक है, और गणित का भी आपको बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, ठीक है, फुल आएंगे, ऐसे नहीं कि हाफ आ जाएँ, ठीक है। देखिए गणित के 15 आएंगे तो 15 आएंगे, जीके के 15 आएंगे तो 15 आएंगे, साइंस के 15 आएंगे, तो पूरे 15 क्वेश्चन लेके आपको फुल मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों का शेयर भी करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसमें क्या बताना है, आकृति बतानी है, आकृति नहीं बतानी, त्रिभुज को संख्या बतानी है, यानी ट्रायंगल बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए ट्रायंगल कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि अपन इनको गिन लेते हैं, हम मैंने आपसे बोल दिया पहले भी क्या करना है, वीडियो को आपको रोक के, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, मैं यदि रुकूंगा तो वीडियो लंबा होगा, जल्दी से बताते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने जल्दी से बताइए, 9 है, तो आपको ये भी क्या दिख रहा है सेम, तो 9 + 9 क्या हो जाएंगे बताइए, 18, ठीक है, 18 के बाद देख लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो आपका यहाँ पर 24 का ही ऑप्शन में आंसर है, नहीं है, चलिए और देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको दो कुछ बड़े दिख रहे होंगे, क्या बड़े बड़े वाले, यदि आप इसको गौर से देखिए, ये वाला एक यहाँ से बन जाएगा, बनेगा कि ए, अब आपको समझ में आ गया होगा, एक और एक ये बड़ा वाला देखिए यहाँ से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मतलब दो तो और बन गए, तो दो यदि अपन इसमें जोड़ते हैं तो आपका जो राइट आंसर 26, कुछ बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 26 नहीं है, उससे ज़्यादा है। चलिए और चेक कर लेते हैं, तो यदि आप इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए एक आपने ए नहीं गिना, ए वाला, ठीक है, ए वाला, ए बड़ा जोड़ा कि नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा, एक ए और एक ए जोड़ दिया, तो ए बड़ा वाला, एक यहाँ से भी एक बड़ा, मतलब दो बन गए, तो इसमें भी क्या बनेंगे, दो बनेंगे, देखिए एक ए वाला और एक आपका ए बड़ा वाला, मतलब दो और दो कितने हो जाएंगे 4, तो कितने हो जाएंगे 30, इन कुछ बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी तक पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे, बी ऑप्शन नंबर टिक करेंगे और हो जाएगा उनका भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो फिर क्या करें बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए कुछ बच्चे जो स्मार्ट रहेंगे वो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए एक यहाँ पर ए वाला बन रहा और एक यहाँ पर ए वाला बन रहा, तो दो हो गए, और एक यहाँ पर ए बारह बने तो 3 हो गए, और एक यहाँ पर ए वाला, मतलब 4, इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी 34 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन तो नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन तो अच्छे रहेंगे रहेंगे, तो ऐसे तो है नहीं कि सभी हल हुआ आ जाएं। तो दी गई आकृति में ए एक तो पलक के विपरीत बताना, ए के विपरीत बताइएगा, ठीक है, ए के क्या विपरीत बताना, तो सबसे पहले आपको विपरीत निकालना है, और खुला ए क्या है जल्दी से बताइएगा, ओपन डाइस है, कैसे खुला पांसा है, ठीक है, ये कैसा जल्दी से बताइए, खुला पांसा है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, खुला पांसा है तो अपोजिट निकालना, तो आपको पता होगा एक छोड़ एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, ई आ जाएगा, ठीक है, आंसर देना था ई, यानी ऑप्शन नंबर ए टिक करते और आगे बढ़ जाते, जो बच जाते वो एक दूसरे के अपोजिट होते, मतलब जी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखिए इसको जैसे आप एग्जाम, ये तो आपको समझाना था इसलिए लिखा, यदि आप एग्जाम हाल में थे आपसे पूछा ए के अपोजिट, तो ए के अपोजिट क्या, ई, ऑप्शन नंबर ए टिक करते और आगे बढ़ जाते, कुछ नहीं करना था, इतना था करना था, ये इतना आपको जो समझाए वो आपको समझाने के लिए, ठीक है, कुछ बच्चे क्या रहते कभी नहीं पढ़ा, तो उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है 100 फिर 50 फिर 52 फिर 26 फिर 28 फिर एक क्वेश्चन मार्क 16 और 8, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज है, और एक क्वेश्चन आपको गारंटी से बोल रहा हूँ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा मिलेगा, ठीक है, 100% देखने को, ऐसा एग्जाम नहीं है कोई भी एग्जाम हो कि मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन ना आए, कोई भी एग्जाम ऑल इंडिया में, ठीक है, तो जल्दी से जिसमें रीजनिंग आती है तो ये क्वेश्चन तो आने ही आना है, ठीक, तो इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप देख पा रहे हो 8 × 2 करते हैं तो 8 × 2 = 16 आ रहा है, तो 16 आ गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जल्दी से बताइए क्या करें, इधर से सॉल्व करें तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो अपन पीछे से सॉल्व करके अपन देख लेते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिए यदि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ शुरू करें, ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है, 28 है, 28 से क्या होगा 26 हुआ, यदि -2 करते हैं तो आपका 26 बन रहा है, ठीक है, 26 में यदि अपन क्या करें 2 का गुणा कर दें तो आपका 52 बन रहा है, 52 बना कि नहीं बना, यदि अपन 52 में 2 माइनस कर दें तो आपका 50 बन रहा है, बना कि नहीं बना,
मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस दो होगा और यहाँ पर क्या होगा गुणा होगा, और यहाँ पर माइनस दो होगा फिर यहाँ पर क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, यानी 50 इंटू यदि अपन दो कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे यदि 8 इंटू दो कर रहे तो आपका 16 बन रहा है, 16 में दो माइनस कर रहे तो यहाँ पर आना चाहिए 14, ठीक है। 14 इंटू यदि अपन दो कर रहे तो आपका 28, ठीक है, जो कि 28 यहाँ पर है। तो लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी 14 इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो ठीक है, और जल्दी से यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी जाके फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।